हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका शर्मा जी के रिव्यूज में। यार आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है रेडमी नोट 9 का एक फुल रिव्यू लेके आया हूं, क्योंकि मुझे जो है इसको यूज करते हुए करीब करीब 18-20 दिन जो है वो हो गए हैं, और अब जो है क्या कुछ खामियां हैं, क्या कुछ खूबियां हैं, सब कुछ जो बताऊंगा दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में। तो आप पूरी देखिएगा वीडियो, अगर अच्छी लगे तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल बटन भी दबा देना, तभी आपको मेरे आने वाली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी दोस्तों। तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं ये वीडियो दोस्तों, और बात करते हैं Redmi Note 9 के फुल रिव्यू की, और बताता हूं कि क्या आपको ये फोन जो है वो बाय करना चाहिए या नहीं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जो Redmi Note 9 है इसका जो बेस वेरिएंट है, वैसे ये भी जो है वो बेस वेरिएंट ही है, 4GB 64GB वाला, ये आता है दोस्तों 11,999 यानी कि 12,000। तो 12,000 में आपको Redmi Note 9 का जो बेस वेरिएंट है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दो और वेरिएंट जो है वो आते हैं। अब दोस्तों बात करें अगर सबसे पहले तो इसके डिज़ाइन और इसके लुक्स की, तो ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है वो तो यहाँ पे जो है वो लाजवाब है। इसका दोस्तों डिज़ाइन वैसा ही है जैसे कि आपको Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, वैसा ही आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। अगर दोस्तों रियर वाली साइड की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको 4 कैमराज जो है वो देखने मिलते हैं स्क्वायर इस डिजाइन में। इसके अलावा दोस्तों नीचे वाली साइड आपको यहां पे जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, और बाकी जो है आपको यहां पे बिल्कुल प्लेन लुक देखने को मिलती है। नीचे वाली साइड आपको Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो लुक तो भैया वैसे ही है जैसे कि आपको Redmi Note 9 Pro, 9 Pro Max में देखने को मिलती है। बट दोस्तों यहां पे डिफरेंस ये है कि यहां पे आपको जो है वो प्लास्टिक बॉडी जो है वो देखने को मिलती है, वेयर एज उन फोन में आपको यहां पे जो है ग्लास बैक देखने को मिलती है, जो कि एक प्रीमियम जो है वो लुक देती है। इसके अलावा दोस्तों ये जो है एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट बोल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो उंगलियों के निशान जो है वो काफ़ी छपते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा निशान जो है वो छपते हैं। प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बैक आपको देखने को मिलती है, और फ्रंट वाली साइड अगर बात करें दोस्तों तो आपको यहाँ पे जो फ्रंट वाली साइड डिस्प्ले जो है वो अच्छी मिलती है। आपको यहाँ पे जो है वो पंच होल वाली डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलती है Redmi Note 9 में। तो डिज़ाइन के हिसाब से तो यहाँ पे जो है वो अच्छा है, बट एक्चुअल में डिस्प्ले में क्या आपको जो है देखने को मिलता है वो भी जो है वो बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है 6.53 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलती है। पंच होल डिस्प्ले है, यहीं पे दोस्तों समाया हुआ है फ्रंट सेल्फी कैमरा जो कि 13 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा दोस्तों इसकी सेफ्टी के लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहां पे आपको फ्रंट में जो है वो गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। इसके ऊपर यहां पे जो है स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगाया गया है। इसके अलावा दोस्तों बट आपको यहाँ पे बता दूं एक चीज़, इंडोर कंडीशंस में तो जो डिस्प्ले है इसकी वो ठीक ठाक जो है वो लगती है, बट जैसे ही आप आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में जाते हो तो आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में इसकी डिस्प्ले जो है वो फीकी सी लगती है, मतलब कि उतनी क्लियर नहीं है। आपको आंखों पे जो है वो जोर देना पड़ता है कि भैया देख क्या रहा है मतलब। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ ना Redmi Note 9 Pro, 9 Pro Max की डिस्प्ले को और साथ में दोस्तों इसको रख दूँ, तो यहाँ पे जो है वो इजीली डिफरेंस जो है वो पता लग जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों लाइटिंग कंडीशंस में डिस्प्ले जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, बट इनडोर में यहाँ पे जो है वो परफेक्टली काम करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको हीलियो G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये पहला फ़ोन है जिसमें आपको ये प्रोसेसर जो है वो देखने को मिलता है, और कंपनी का और मीडियाटेक का दावा है कि ये जो है एक तरीके से अब ये मान के चलिए कि गेमिंग प्रोसेसर है। अब कितनी अच्छी यहाँ पे जो है वो गेमिंग करता है मैं आपको यहाँ पे ये भी अभी दिखा दूंगा। बाकी अगर बात करें दोस्तों सबसे पहले तो इसके प्रोसेसर की ही, तो ये प्रोसेसर हीलियो G85 जो है 12nm टेक्नोलॉजी पे मैन्युफैक्चर होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इसके GPU की, तो यहाँ पे आपको जो है वो माली G52 GPU जो है वो देखने को मिलता है, जो कि क्लॉक्ड है अराउंड 1 GHz पे। तो ऐसी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों प्रोसेसर की। और दोस्तों अगर बात करूं इसकी परफॉर्मेंस की, तो यहां पे जो डे टू डे टास्क हैं वो तो आप इजीली जो है वो यहां पे कर पाएंगे, गेमिंग भी यहां पे जो है वो आप कर पाएंगे, बट कहीं कहीं जो है हल्का फुल्का लैग जो है वो देखने को मिलता है। इतना ज्यादा नहीं है मैं बोलूंगा, मैंने यहां पे आपको दिखाऊंगा कि मैंने पबजी जो है वो प्ले करी है, और मैक्सिमम यहां पे जो है HD हाई में जो है वो पबजी प्ले कर सकते हैं। आप इसको एक तरीके से एंट्री लेवल गेमिंग स्मार्टफोन जो है वो मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो नार्जो 10 है उसमें आपको हीलियो का G80 प्रोसेसर जो है वो देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट वैसी ही स्पेक्स इस प्रोसेसर की हैं, कुछ ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं है। तो जैसी आपको जो है वो नार्जो 10 में गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, वैसी आपको परफॉर्मेंस जो है इसमें Redmi Note 9 में देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेगमेंट की। वैसे तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं मैंने इसका जो है वो फुल कैमरा रिव्यू आपको जो है वो बताया हुआ है। मोटा दोस्तों आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो है आपको 4 कैमरास जो है वो देखने मिलते हैं। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, उसके साथ में दोस्तों
8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस वाला कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस वाला कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। तो ऐसा कैमरा सेटअप आपको रियर वाली साइड देखने को मिलता है। और बात करूँ दोस्तों फ्रंट सेल्फी कैमरा की, तो 13 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें इसके फोटोज़ की और वीडियोज़ की, तो यहाँ पे दोस्तों लाइटिंग कंडीशन अच्छी होती है तो वहाँ पे तो ये फोटो जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो क्लिक करते हैं। बट जैसे ही आप डार्क कंडीशन में आते हो या फिर आप लो लाइट में आते हो तो वहाँ पे नॉइज जो है वो आनी शुरू हो जाती है, तो उतना अच्छा रिजल्ट जो है वो नहीं आ पाता। बट फिर भी दोस्तों मैं ये बोलूंगा कि 11,999 के हिसाब से, 12,000 के हिसाब से इसका जो कैमरा है वो डिसेंट जो है वो परफॉर्म करता है। और हाँ, एक चीज़ और जो है वो ध्यान में रखिएगा कि इस कैमरा से दोस्तों आप ना तो जो है वो FHD 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना ही यहाँ पे जो है 4K में वीडियोस रिकॉर्ड करने का कोई सपोर्ट है। ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इसके और दमदार एक फीचर की, तो वो है दोस्तों इसकी बड़ी दमदार बैटरी। जी हाँ, यहाँ पर आपको 5020 mAh की जो है वो तगड़ी बैटरी देखने मिलती है। विद इन दी बॉक्स आपको यहाँ पे जो है वो 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर देखने मिलता है। बट दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो फ़ोन है सिर्फ और सिर्फ फिलहाल अभी तक 18 वॉट फास्ट चार्जिंग ही जो है वो सपोर्ट करता है। कंपनी ने बोला है कि आने वाले अपडेट्स में, आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स में जो 22.5 वॉट आपको जो है वो चार्जर दिया गया है, तो वैसे ही आपको यहाँ पे जो है 22.5 वॉट चार्जिंग जो है वो इनेबल कर दी जाएगी। अब वो कब होती है वो तो आने वाला है, उसको टाइम बताएगा। बट यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं, मैंने इसका भी जो है एक फुल रिव्यू किया था कि कितना जो है वो 0 to 100% जो है वो टाइम लेता है Redmi Note 9 फुल चार्ज होने में, और करीब दोस्तों 2.5 से 3.25 घंटे लग जाते हैं इसको जो है वो 0 to 100% जो है वो चार्ज होने में। और अगर बात करें दोस्तों इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो कितना राइज होता है, तो मैक्सिमम ये ऊपर वाली साइड हमेशा अगर आप गेम भी खेल रहे हो या चार्ज भी कर रहे हो तो ये ऊपर वाली साइड जो है वो ज़्यादा यहाँ पे जो है टेम्परेचर राइज होता है। शुरुआत में अगर आप चार्जिंग करते हो तो 42 डिग्री तक इसका जो है वो टेम्परेचर चला जाता है, नॉर्मल है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। बस कंपनी से यहाँ पे यही रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो जल्दी से जो है 22.5 वॉट फास्ट चार्जिंग जो है वो इसमें इनेबल कर दे, तब तो यार और मज़ा आ जाएगा और जल्दी ये जो है वो चार्ज कर देगा Redmi Note 9 को। अगर बात करूँ दोस्तों इसके ऑडियो की, तो यहाँ पे ऑडियो आपको ठीक ठाक मिल जाता है, कोई ज़्यादा लाउड नहीं मिलता, ज़्यादा स्लो नहीं मिलता, आपको ठीक ठाक ऑडियो यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें ईयर पीस वॉल्यूम की, तो यहाँ पे कॉलिंग के दौरान आपको ठीक ठाक जो है वो सुनाई देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ऑडियो जो है वो ठीक ठाक है, ना ज़्यादा ऊंचा है ना ज़्यादा कम है। बाकी दोस्तों मैंने ऑलरेडी गेमिंग का तो आपको बता ही दिया कि गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाती है। यहाँ पे मैं बहुत जल्द अगर आप चाहते हो तो आपके लिए जो है वो पबजी प्ले का जो है एक रिव्यू भी लेके आऊँगा, तो अगर आपको वो रिव्यू चाहिए आप मुझे बता सकते हो। बाकी दोस्तों मैंने जो है इसमें काफ़ी पबजी जो है वो प्ले करी है और मुझे लिटरली जो है वो HD हाई में मैंने यहाँ पे जो है प्ले करी है और कोई भी दिक्कत नहीं आई। और आपको एक चीज़ बताऊँ, जिस दिन पहले दिन ये फ़ोन मेरे पास आया था उसके बाद पबजी जब मैंने इंस्टॉल करी थी, तो पहले ही दिन दोस्तों विनर चिकन डिनर जो है वो हम ले आए थे, तो उससे जो है आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसी जो है वो इसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बाकी अगर आपको पूरा इसका फुल गेमिंग रिव्यू चाहिए तो नीचे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। अब अगर बात करें दोस्तों इसके OS की, तो वैसे तो आपको एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने मिलता है, बट इसके ऊपर जो रन होता है ना MIUI, वो यहां पे जो है मुझे उतना अच्छा जो है वो नहीं लगता। बस अच्छा नहीं लगता, आजकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। यहाँ पे जो है स्टॉक एंड्रॉयड जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन कि दोस्तों मेरे पास ये है ओनर 9S, इसको भी मैं जो है गिव अवे कर रहा हूँ, तो इसमें जो ओनर का जो UI है ना, मैजिक UI, वो भी मुझे नियर टू स्टॉक एंड्रॉयड लगता है और इतनी ज़्यादा कुछ एड्स वगैरह नहीं आती और मुझे क्लीन लगता है इनका UI कंपेयर टू MIUI। तो कुछ अगर ऐसा भी हो या फिर दोस्तों जो Asus वाले जैसा कि UI देते हैं अपने फ़ोन्स में स्टॉक एंड्रॉयड टाइप, अगर वैसा हो जाए तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा। बाकी दोस्तों ये जो है वो पर्सनल प्रेफरेंस है, तो मोटा मोटा दोस्तों बस यही हिसाब है कि एंड्रॉयड 10 तो मिलता है बट उसके ऊपर दोस्तों रन होता है MIUI। इसके अलावा दोस्तों इसके कुछ प्रॉज और कुछ कॉन्स की अगर बात करें छोटे छोटे दोस्तों, सबसे पहले तो कॉन्स की अगर बात करें, तो यहाँ पे इस फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन लाइट आपको देखने को नहीं मिलती। अभी यार अगर एक लाइट लगा देते पता लग जाता फ़ोन चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा, तो
क्या चले जाता है या फिर पता लग जाता है कि मैसेज आ रहा है, तो नोटिफिकेशन लाइट आपको यहाँ पे जो है वो कोई भी नोटिफिकेशन लाइट Redmi Note 9 में नहीं देखने को मिलती, ये बात। एक और मुझे हल्का सा कौन ये लगा वो तो मैंने ऑलरेडी वैसे बता दिया, प्लास्टिक क्वालिटी का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे शाइनिंग ज़्यादा है, बट नीचे वाली साइड तो जमा घटिया टाइप प्लास्टिक जो है वो लगती है, तो ये जो है वो डिफरेंस कलर का ये भी मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा। अगर ऐसा ही कलर नीचे तक ले आते तो फिर क्या दिक्कत थी, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। ग्रीन कलर में तो मेरे हिसाब से ज्यादा जो है वो अटपटा लगता है, तो बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इसके अलावा दोस्तों छोटे छोटे प्रॉस की भी बात कर लें तो यहां पे 3.5 का ऑडियो जैक आपको देखने मिल जाता है, साथ में टाइप सी पोर्ट भी देखने मिल जाता है। बाकी आपको बता ही दिया कि 22.5 वॉट चार्जर जो है विद इन दी बॉक्स देखने मिल जाता है, बट वेट कर रहे हैं कि कब चार्जिंग जो है उतनी जो है वो इनेबल कर देगी कंपनी। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे जो है वो ट्रिपल स्लॉट भी देखने मिल जाता है, अगर आप जो है 4GB 64GB वाला वेरियंट लेते हैं और स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे जो है वो पॉसिबल है, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल स्लॉट देखने मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे जो है वाइड वन L1 का भी सपोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो अब आते हैं दोस्तों मुद्दे पे, मॉरल ऑफ द स्टोरी पे, कि क्या आपको Redmi Note 9 जो है वो बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर दोस्तों प्राइस अगर देखें, सिर्फ अगर बेस वेरिएंट की बात करें, मेरे हिसाब से 12,000 में अगर आप बेस वेरिएंट जो है वो ले लेते हैं तो यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जैसे मैंने छोटे मोटे जो पॉइंट बताए वो अगर आपके लिए दिक्कत क्रिएट करते हैं तो जो है आप किसी और फोन के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज आप ये फोन जो है वो बाय कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप गेमिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप 1,000 रुपए और खर्च के Realme 6i की तरफ जो है वो जा सकते हैं, या फिर अगर आपको ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी चाहिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो आपको ज्यादा अच्छी चाहिए कंपेयर टू दिस, तो आप 2,000 रुपए डाल के दोस्तों पोको M2 Pro या फिर Redmi Note 9 Pro जो है वो बाय कर सकते हैं। और आजकल तो दोस्तों सेल वगैरह भी चल रही है, इजिली फोन ये जो है वो मिल भी रहे हैं, तो आप ये फोन जो है वो कंसीडर जो है वो कर सकते हैं, अगर आप जो है 1,000-2,000 जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने बजट में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा फुल रिव्यू Redmi Note 9 का जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है, अभी भी कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट करके दोस्तों आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है मेरे से ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी अपना कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये फुल रिव्यू जो है वो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे है तो सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल बटन भी दबाना, तभी आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।